सारे हर साल की तरह सूबेदार निर्मल सिंह जी ने शरदा के फुल पेंट करने वास्ते अज इस पेट्रोल पंप से इकट्ठे हुए हैं। मैं समझना कि सूबेदार निर्मल सिंह जी शहादत इस मुल्क के सरहदा बचाने वास्ते बहुत वड्डा योगदान है। असी सारे अज दे दिन आउंदे आ, इस दिन भी मनाउंदे आ, उन्हां दे परिवार दे नाल आ के दुख भी सांझा करदे आ। पर उत्थे मैं नाल ही यह भी बेनती करांगा कि अज समाज दे विच जिवें हर पासे निगार आ रहा, अज उस निगार नूं रोकण दी लोड़ आ। उही एक सच्ची और सुची श्रद्धांजलि इस शहीद नूं पूरी होएगी। जे असी लोग जिथे जिथे असी बैठे हाँ, जिस जिस किते दे विच असी हाँ, उहनूं वधिया तरीके नाल करिए, देश भगती दे जज्बे नूं अपनाइए, तां मैं समझना भी इह दिन मनाउणे जिहड़े ने उह साकार होणगे। अज जिहड़े शहीद परिवार ने साडे इलाके दे विच बहुत सारे बच्चे फौज दे विच भर्ती होए, और मैनूं दुख नाल कहना पैंदा कि बहुत सारिआं ने शहादतां पाईआं। मैं अज दे दिन यह भी सरकार नूं अपील करांगा किसी ना किसी तरीके साढ़े जो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर है उत्ते सरकार वालों कोई ना कोई कोचिंग सेंटर जरूर खोले जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, जिते साढ़े इलाके के बच्चे पढ़ाई करके तैयारी कर सकन, जिहड़ियां बाकी सेवावां ने सरकारां दीआं उहदे विच भी जा सकन। क्योंकि जिस वक्त आपां सिलेक्शन लिस्ट वेखदे आ, ज़्यादा बच्चे मालवे तो आउंदे ने, उस तो बाद दुआबा तो ने, माझे तो बहुत घट बच्चे, और खासकर गुरदासपुर तो बहुत घट बच्चे दूजिया सेवाओं से जाते हैं। और इस करके जिस वक्त दूजिया सेवाओं से नहीं जाते, फौज के जाके फिर वड्डी गिनती दे विच हादसे होंदे ने, मन नूं दुख हुंदा। सो मैं चाहवांगा भी कोई बेनती करांगा विक्की जी तुहाडी संस्था नूं भी तुसीं भी इस नूं सरकार नाल टेकअप करो, और इत्थे एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग सेंटर बने जिथे माहिर प्रोफेसरस बच्चों नूं कोचिंग भी देन, और उन्होंने तैयार करन, जिहड़ियां वधिया पोस्टां सारियां निकल रही ने उहदे विच वास सकन। और एक बारी फिर जिथे परिवार दे नाल दुख सांझा करना, उत्थे कुंवर विजय अपना विक्की जी का जो धन्नवाद करना भी उन्होंने सोसायटी मिल के ये जिहड़ी सोच आ उन्हूं लै के समाज के फैला रही है और जागरूकता कायम कर रही है, उन्हां वास्ते उन्हां दी संस्था का उन्हां दा धन्नवाद करदा दिल दीआं गहराइयां तो। सूबेदार निर्मल सिंह जी के चरणों के उन्हां दे परिवार के चरणों च नतमस्तक हुंना, और अकाल पुरख अगे अरदास करदा कि इस परिवार से मेहर भरिया और कृपा भरिया हाथ रखे। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतह। अज कारगिल युद्ध में शहादत का जाम पीण वाले सूबेदार निर्मल सिंह वीर चक्रा जी का 23वां शहीदी दिहाड़ा जिहड़ा है उन्हां दी याद बने हुए पेट्रोल पंप पर आयोजित किया गया। शहीद सूबेदार निर्मल सिंह जिन्हां ने कारगिल दी या पहाड़ियों ते पाकिस्तानी सेना नाल लोहा लैंदे हुए कई पाकिस्तानी सैनिकों नूं मार के अपने साथी सैनिकों नूं बचांदे हुए अपना बलिदान दे के जो वीरता का इतिहास रचिया सी, उन्हां दे शौर्य अते बलिदान के सामने सारा देश अज नतमस्तक है। शहीद सूबेदार निर्मल सिंह जिले के पहले ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने उस युद्ध में जिहड़ा है मरणोपरांत वीरता चक्र जिहड़ा है प्राप्त किया। सो कारगिल युद्ध भारतीय फौज ने जिन्हां कठिन हालातों में लड़िया उसकी मिसाल जिहड़ी है पूरे विश्व जिहड़ी देखने नहीं मिलती। सो अज लोड़ है शहीद सूबेदार निर्मल सिंह वर्गे वीर योध्या के दसवें पूर्णियों के चलन की, जिन्होंने देश के आने वाले कल लिए अपना अज कुर्बान करके देश का नाम रोशन किया, अपने इलाके का नाम रोशन किया, इस पिंड का नाम जिहड़ा है राष्ट्रपति भवन तक जिहड़ा पहुँचा दिता। सो मैं एक बार फिर सब दे अगे बेनती करता हाँ कि शहीद देश का सरमाया हन, ये हन तां देश है, इन्हां दी बदौलत ही देश की एकता ते अखंडता बरकरार है। अतः जिथे शहीदां नूं याद किया जाता है उस स्थान तीर्थ स्थान बन जाते हैं, अतः जिहड़ा इंसान इन्हां शहीद परिवारां दी चरणां दी धूली नाल तिल करता है उहनूं सौ कु मंडहान का फल मिलता है। सो आओ अज सूबेदार निर्मल सिंह जी की शहीदी दिहाड़े के मौके पर सारे संकल्प करिए कि जो सपना इन्हां शहीदां ने देखिया है, इन्हां शहीदां दे सपनिआं दी सोच ते पहरा दिंदे होइआं इन्हां दे पदचिन्हां दे चल के राष्ट्र निर्माण विच जिहड़ा है अपना सारे मिलके योगदान दईए। अज असीं घरां च चैनल सौंदे हाँ
ते शहीद सूबेदार निर्मल सिंह वर्गे वीर योधे जिहड़े हन सरहदां दे पहरेदार बन के दुश्मन नूं चुनौती देंदे हन कि उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस देश की सरहद की निगेबान है आंखें, जिस देश की सरहद की निगेबान है आंखें। अज सारा देश इन्हां दे बलिदानां दे सामने नतमस्तक है। एक बार फिर मैं इस पिंड की बलिदानी मिट्टी नूं कोटि कोटि प्रणाम करता हाँ और शहीद सूबेदार निर्मल सिंह जी के परिवार को भी नमन करता हाँ जिन्होंने अपना घर का चिराग जिहड़ा है देश दी बली वेदी ते कुर्बान कर दिता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि तुसी कंफ्यूज हो आईएलटीएस ते पीटीई दी अच्छी कोचिंग नूं लैके, आईएलटीएस स्पीकिंग टेस्ट दे बारे सोच के थोड़ी रातां दी नींद उड़ जांदी है, तुहानू समझ नहीं आंदा कि आखिर ग्रामेटिकल रेंज ते एक्यूरेसी है की और ये लैक्सिकल रिसोर्स नूं किवें हैंडल करना है। वेल, हुण स्ट्रेस लैण दी लोड़ नहीं, आईएलटीएस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ी जी गाइडेंस ते प्रैक्टिस दे नाल तुसी अपना फेवरेट टारगेट बैंड स्कोर हासिल कर सकते हो। तुसी सानू जॉइन कर सकते हो विजन अपग्रेड। असी ना सिर्फ थोड़ी हेल्प करांगे आईएलटीएस ते पीटीई दे विच एक वधिया जिहा बैंड स्कोर लैण दे लई, बल्कि सारी एक्सपर्ट टीम थानू गाइड करेगी विदेश में जाके एक चंगे जिहे कॉलेज या यूनिवर्सिटी दे विच एडमिशन लैण दे लई। तुसी सानू स्क्रीन ते दित्ते हुए डिफरेंट नंबर्स दे उपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तुसी साडी वैबसाइट भी विजिट कर सकते हो, www.visionupgraded.in।